गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं हॉस्पिटल बैग में बेबी के लिए क्या क्या पैक कर रही हूँ। नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें जो भी मैंने देखा है और जो भी एसेंशियल है वो मैंने रख रही हूँ। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं अपने बेबी के बैग पैक में क्या क्या रख रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वैसे तो हम लोग के घर में बेबी के आने के पहले कुछ शॉपिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, बोलते हैं बच्चे को पुराने कपड़े पहनते हैं। बट मैंने बहुत सारे कपड़े, कुछ कपड़े ऑनलाइन मंगा लिए थे, कुछ मेरी मम्मी पहले ही आ गई थी बाहर के फंक्शन के लिए, कुछ कपड़े लाई थी तो मैंने उसे भी कुछ ऐड ऑन कर लिया बेबी के बैग पैक में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और मैंने अच्छे से उसको वॉश भी करा लिया है बेबी डिटर्जेंट में। तो मैं आपको साथ शेयर करती हूँ मैं क्या क्या रख रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, मैंने ये बिब्स ऑर्डर किए हैं, तीन का सेट था तो मैंने दो रख लिए हैं अपने बैग में। कुछ इस टाइप का दिखता है ये बेबी के यहाँ पर लगेगा। अगर कुछ बेबी वोमिटिंग करता है या फिर कुछ भी थूक निकालता है तो वो फिर कुछ भी उसको शुरुआती दिनों में टॉप फीड देते हैं, फॉर्मूला देते हैं, तो ये काफ़ी हद तक उसका काम करेगा। तो ये दो मैंने बिब्स रखे हुए हैं और इसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया है, तो मैंने दो ये सेट रख लिया। नेक्स्ट मैंने फ्रेंड्स रखा एक बेड प्रोटेक्टर रखा है, शीट, ड्राई शीट, तो कुछ इस टाइप का है। मैंने एक ही अभी परचेस किया है, धीरे धीरे जैसे भी यूज़ आएगा मैं ले लूँगी, बट मैंने अभी ऐसी देखने के लिए परचेस किया कि किस टाइप का है। तो ये लव लव ब्रांड का है, मैंने अमेजोन से परचेस किया है। बहुत सारे कलर ऑप्शन थे तो मुझे ये नेवी ब्लू ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये परचेस किया। तो नेक्स्ट मैंने ये बेबी बेड प्रोटेक्टर परचेस किया। और नेक्स्ट मैंने रखा है अपने बेबी के बैग पैक में ये छोटे छोटे कैप्स, मिटन्स और बूटीज़ के सेट, तो ऐसे मैंने दो रख लिए हैं। और ये दोनों कलर और अच्छे लगे इसलिए मैंने ये दोनों परचेस किए, सेट में आया था। तो ये कैप है और इसे मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। ये कैप है और ये बूटीज हैं और ये दो मिटन्स के सेट हैं। ये बच्चों के हाथों में पहना जाता है ताकि बच्चे अपने नाखून से अपने चेहरे पे स्क्रैच ना कर लें, हार्म ना कर लें अपने, और बच्चों को ठंड से रोकने के लिए ये बूटीज काम आते हैं। और ये कैप, तो ऐसे दो मैंने सेट रख लिए हैं अपने बैग में। नेक्स्ट मैंने फिलिप्स एवेंट का ये मिल्क बॉटल परचेस किया है, कॉलिक फ्री, कुछ इस टाइप से दिखता है। और इसे मैंने ऑफलाइन परचेस किया फ्रेंड्स मेडिकल शॉप से, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अच्छी बॉटल है फिलिप्स की, तो कुछ अंदर से कुछ इस टाइप का दिखता है। ऐसा मैंने दो परचेस किया बट मैं एक अपने बैग में रखूँगी इफ इन केस ज़रूरत पड़े। तो नेक्स्ट परचेज मेरा ये था बॉटल, मिल्क बॉटल। तो नेक्स्ट मैंने ये बेबी वाइप्स रखे हैं लव लव का, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, रिव्यू काफ़ी अच्छे थे अमेज़ोन पे, मैंने अमेज़ोन से ट्राई किया है। और ये मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में भी रखा हुआ है तो ये मुझे अच्छा लगा ब्रांड इसलिए मैंने ये रख लिया था। आप हिमालय का भी वाइप्स ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, उसके भी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी थी। तो नेक्स्ट मैंने ये वाइप्स परचेस किया है और इसे मैं अपने बेबी के बैग पैक में रखूँगी। नेक्स्ट मैंने ये पैम्पर पैंट्स परचेस किए हैं विथ एंटी रैश लोशन, इसमें एलोवेरा भी है जिससे रैश नहीं होगी बेबी को। तो मैंने अभी छोटा वाला पैक ही परचेस किया, जैसे भी आगे ज़रूरत होगा वैसे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट मैंने ये अपने बेबी के बैकपैक में ये रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब आती है क्लोथिंग की बारी। तो मैंने 5-6 पेयर रखे हुए हैं, कुछ कुछ पेयर मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप से मैंने रखे हुए हैं। तो फर्स्ट ये मैंने रोम्पर रखे हुए हैं कुछ इस टाइप से, जिस टाइप का है। तो नीचे ये पैक है तो आपको
बूटीज पहनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सॉक्स पहनाने की, ये बैक ही रहेगा, बस मिटन्स पहनाने की ज़रूरत होगी। तो एक ये है और इसकी प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो एक मैंने ये रखा हुआ है और इस टाइप से मैंने दो तीन रख लिया मैंने, एक ये भी प्रिंट ये स्ट्रिप्स में, एक ये भी ये रॉम्पर है। इस टाइप के मैंने दो सेट और रखे हैं, दो मैं आपको दिखा रही हूँ। और कुछ मैंने ऐसे इस टाइप के टी शर्ट और शॉर्ट पैंट के सेट रख लिए हैं, ये ओपन हो जाता है बटन, और ये छोटू सा पैंट है। इस टाइप के मैंने कुछ पेयर रख लिए हैं और मैंने एक टॉवल भी रख लिया है इन केस ज़रूरत पड़े तो। और मैंने इस प्रिंट में एक स्वेडल रैप रखा है, इसे आप स्वेडल ब्लैंकेट भी बोल सकते हैं, कॉटन की फैब्रिक है, कॉटन की फैब्रिक है, सॉफ्ट है, इसे आप बेबी को लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और रैप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैंकेट की तरह भी गर्मी में यूज़ कर सकते हैं। तो एक मैंने ये रखा है स्वेडल रैप। नेक्स्ट मैंने ये स्वेडल रैप परचेज़ किया रेडीमेड, बहुत सारे कलर प्रिंट में थे, 499 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया है, आप देख सकते हैं। और अमेज़ोन पे ये पर्पल कलर शो हो रहा था बट ये पिंक कलर है, आप देख सकते हैं इसका ओरिजिनल कलर ये है और ये रेडीमेड है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा रेडीमेड है तो। और इसकी मटेरियल कॉटन की, बहुत अच्छा कॉटन, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल, इसे भी मैंने वॉश करके रख लिया है बैग में। तो फ्रेंड्स बाहर से कुछ इस टाइप का दिखता है, इस टाइप से आप बेबी को रैप कर सकते हैं इजीली। तो नेक्स्ट मैं ये फेस टाइल रख रही हूँ, इसे बेबी वॉश क्लोथ भी बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। 179 का ये 7 पीस मुझे मिला है, होजेरी कॉटन मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, इसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया बेबी डिटर्जेंट में। और इसमें आपको बहुत ही कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रिंट में, तो ऊपर प्रिंटेड है नीचे प्लेन है, तो कुछ इस टाइप से दिखता है, छोटे छोटे वॉश क्लॉथ है। तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी वो कैसे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।